गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे गुड आफ्टरनून मैम। गुड हो आप सब? मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक हाउ मच यू नो। तो आप मुझे बताओ, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? मैम, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वेरी गुड अंकिता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिनोमिनेटर का रैशनल नंबर कैन नॉट बी, अभी अंकिता ने बताया, प्योर भी बताओ मुझे। जीरो यस वेरी गुड। जीरो क्यों नहीं हो सकता? मैम, फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, पी अपॉन जीरो फॉर्म ओके वेरी इसमें। गुड शिवानी। सो अब मुझे अंकिता बताएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? मैम 22/7, और डेसिमल्स में? मैम थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट वन वन फोर फोर ओके अभी तक ये कॉन्सेप्ट आपका सही है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो हम क्लास में इसको मॉडिफाई करेंगे। डज एनी वन नो ऑन विच डे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड? किसी को पता है? यस और नो? नो मैम मैम, 14 मार्च। यस, किसने बताया? निधि, 14 मार्च को हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। यस मैम। नाउ अब आप मुझे बताओ, हाउ नंबर्स आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट? कैसे नंबर्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं? यस और नो में बताओ पहले कि करते भी हैं या नहीं करते। यस मैम। यस मैम। ओके सो हम ये डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि जो नंबर हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, कोई भी नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं और वहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं सबको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। अब कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है रैशनल नंबर का? निधि, एग्जांपल दे सकते हो रैशनल नंबर का? वन अपॉन फाइव यस। और शिवानी आप बताओ? -3/4। यस मैम। यस वेरी गुड। ठीक है, मतलब इस टाइप के नंबर जैसे 1/2 है, 4/5 है, 7/8 है, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब मुझे ये बताओ, 2, 9, 0 और -5, क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं या नहीं है? यस मैम। क्यों है शिवानी? मैम, क्योंकि हम इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 के हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते तो है तो वो 2 ही, पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यस वेरी गुड शिवानी। सो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास। अ नंबर इज सेट टू बी इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब सिंपली जो नंबर हमारे पास रैशनल नहीं है उन सब नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। अब आपने 8th क्लास में ये पढ़ा होगा कि हम एक रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेम हम इरेशनल नंबर को भी डेसिमल की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में जब आपके पास उसके डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो क्या होती है, वो ना तो कभी भी टर्मिनेट करेगी और ना ही कभी भी पेरियोडिक आएगी। उसका मतलब क्या है, जैसे आप देखो अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी डिजिट्स। इसमें आप जहां मर्जी तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और इवन आप यहाँ पे देखो कि कभी भी कोई पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा, मतलब कोई भी इसमें एक पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, हमेशा एक अलग ही पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। मैथमेटिशियन ने इसको इरेशनल नंबर क्यों बोला? क्योंकि हम इसको रेशियो ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 की वैल्यू भी जब आप निकालोगे वो भी ऐसे ही, उसके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो वो कभी टर्मिनेट करेगी और ना ही वो कभी भी पेरियोडिक बनेगी। अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 11 है। हाँ, अभी आपने पाई की वैल्यू बोला 3.14, तो इसके अकॉर्डिंग तो पाई
रैशनल होना चाहिए था, लेकिन पाई एक्चुअल में इरेशनल नंबर होता है। वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेशन है वो गलत बनी हुई है। आप जो पाई की वैल्यू यूज करते हो, वो आप एज अ कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू यूज करते हो, लेकिन पाई की वो फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14, उसके बाद वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करती और कभी भी पेरियोडिक नहीं होती। इसलिए जो है पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, और फाई भी एक इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.61। ऐसे आगे ये भी रिपीट करती चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो अभी हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप मुझे बताओ कि सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आए थे? यस, नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर आए थे हमारे पास। उसके बाद कौन से नंबर आए थे? होल होल नंबर्स। नंबर्स आए थे। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अगर नहीं ट्रू है तो आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो होल नंबर, जो होल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। मैम जीरो। जीरो। यस, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद कौन से नंबर आए थे? ओके, इंटीजर्स। कोई और भी बोलो, बरखा आप बोलो, कौन से नंबर आए थे इसके बाद? निधि, यस मैम, कौन से नंबर आए थे इंटीजर्स के होल नंबर्स के बाद हमारे पास? इंटीजर मैम। इंटीजर्स आए थे। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? क्यों नो मैम। मैम तो नहीं बोल सकती अंकिता, रीजन दो। क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी काउंट होते हैं। यस, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन वो नेचुरल या होल नंबर्स में नहीं होते, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं, अब आप मुझे बताओ, ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है? फोल्स। ओके, तो एग्जांपल दो मुझे रैशनल नंबर के जो नेचुरल नंबर नहीं है। नेगेटिव मैम वन नंबर, बाय वन फोर बाय थ्री बाय फोर फोर यस, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो रैशनल है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बाद इरेशनल नंबर, ये हमने उनके एग्जाम्पल पढ़े थे। अब आप मुझे ध्यान से इन दोनों फिगर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या आपको इसमें और इस वाली शेप में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कोई नो है मैम। ना, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब जो इरेशनल नंबर है वो इन सब नंबर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। रैशनल नंबर में तो कुछ कॉमन है, जैसे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे वो इन सब नंबर्स में कॉमन है, लेकिन इरेशनल नंबर इन सब से बिल्कुल ही अलग है। तो हमने क्या किया, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को एक ग्रुप में डाला। उस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, रियल नंबर दे, रियल नंबर्स हमने उसको बोल दिया। तो ऐसे हमारे पास एक नंबर सिस्टम मिलके तैयार हो गया। ठीक है, इसको, इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, नंबर सिस्टम बोल देंगे। अब हम देखते हैं, अब बात आती है इनकी नोटेशन की। आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम इनको कैसे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, किसी को पता है? एन। एन से डिनोट करते हैं। ऐसे हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, बट ये एक्चुअल में सही नहीं है। आप इसकी स्टैंडर्ड, अगर यूनिवर्सल नोटेशन देखोगे तो आपको एन के आगे हमेशा ऐसे इसको यहाँ पे लाइन लगानी है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर की स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। ऐसे ही होल नंबर की, आप सब इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करोगे, ये होल नंबर्स की नोटेशन है। इसके बाद है इंटीजर को। वैसे आप इंटीजर्स को आई भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप जेड ही लिखो, क्योंकि ये उसकी हमारे पास यूनिवर्सल नोटेशन है जेड की। आपको आगे फर्दर बुक में भी यही मिलेगा। ये आई हम बहुत कम यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं, ये इंटीजर्स की हो गई है। रैशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू, उसमें भी सेम हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये है रैशनल नंबर, और ई रैशनल नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस आपने नोट मैम। कर लिया अपनी कॉपी पे? यस यस मैम। मैम। ओके, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, जो 1/3 है वो रैशनल है या इरेशनल है? रेशनल। ओके, रैशनल है। ठीक है, अभी देखो,
देखो आप जो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स आ रही हैं, तो फिर इसको इरेशनल नहीं होना चाहिए था। यस मैम, ये फिर भी हम इसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं हम बताओ? हमने वो टर्म यूज की थी रैशनल नंबर के डेफिनेशन में, क्या थी वो टर्म? टर्मिनेटिंग पीरियोडिक यस, यहाँ पे ये क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन हमने क्या बोला था रैशनल नंबर के डेफिनेशन में कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो पीरियोडिक भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये तो पीरियोडिक है, इसीलिए क्या है ये रैशनल नंबर है। मतलब यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ठीक है, अब आप मुझे बताओ हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, तो हम कुछ रिजल्ट देखते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है उनके बीच में हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने अभी अभी देखा कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ हम डाल देते हैं तो रियल नंबर बन जाते हैं हमारे पास। अगर हमने बोला है रैशनल प्लस इरेशनल हमें रियल बना के देते हैं, तो ऑब्वियस है अगर मैं कोई रियल नंबर ले रही हूँ वो तो या तो फिर वो रैशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे आपने अभी मेरे को बोला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो भी इन्फाइनाइट होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। अब जो इसका फर्स्ट वाला है रिजल्ट है, हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये कैसे हमारे पास ट्रू है। तो फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास, कोई भी दो हमने गिवन नंबर लिए, जैसे मैंने लिया 1/2 लिया मैंने और 3/2 लिया, ये मैंने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए। अब मेरे को हमें पता है इसकी मैं डेसिमल एक्सपेंशन भी कर सकती हूँ, तो ये 0.5 आएगी और ये 1.5 आएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम, मैम। ओके, आप में से कोई मुझे इसके बीच में कोई रैशनल नंबर बता सकता है? पॉइंट के फॉर्म में ही बता दो आप। 0.6 0.6। अंकिता आपने क्या बोला? 0.7 0.7। कोई और बताओ, निधि आप बताओ? 1 1। 1 आएगा इसके बीच में। कोई और बताओ? 1.2 अंकिता 1.2। आप देखो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आपने 0.6 बोला है, 0.61 भी तो होगा, है ना? तो इसलिए हम यस क्या मैम, बोलते हैं कि इन दो कोई भी गिवन रैशनल नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो इसको हम डिस्कस करते हैं प्रॉपरली सारे रिजल्ट्स को। तो देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है हमारे पास, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मैंने एक रैशनल नंबर उठाया और मैंने दूसरा एक इरेशनल नंबर उठाया। फॉर एग्जांपल मैंने √2 लिया, मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1। यहाँ पे √2 इरेशनल नंबर है, 1 रैशनल नंबर है। जब भी मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ आपको पता है इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप की आएगी, 1.4, 1.4, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी। ठीक है, तो जब आप इसमें 1 ऐड कर रहे हो तो ये भी तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। इसमें भी तो जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं ना कि जब भी हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को हम सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं तब वो हमारे पास एक नया इरेशनल नंबर आएगा। अब सेकेंड देखो इसका रिजल्ट, सेकेंड में क्या बोल रहा है ये, द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब मैं ले रही हूँ
अंडर रूट टू लिया मैंने, इसको मैं थ्री के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक मैंने इरेशनल नंबर उठाया, दूसरा रैशनल नंबर उठाया मैंने, तो आपको पता है इसकी वैल्यू फिर से वही होएगी। तो मैं जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास फिर से एक उसी टाइप का नंबर आएगा जिसके डिजिट्स के बाद हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, कभी भी वो रिपीट नहीं करेंगे और कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। ओके, तो आप यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है नॉन जीरो, मतलब वो जीरो के लिए ट्रू नहीं है। किसी भी नंबर को जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी, उस केस में वो मेरे को इरेशनल नंबर बना के नहीं देगा। तो कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्यों नहीं, यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज की है नॉन जीरो? ओके, मैं बताती हूँ। देखो, अंडर रूट टू लिया मैंने, इरेशनल नंबर लिया, लेकिन रैशनल नंबर मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। आपको पता है जीरो की प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जीरो बना के देगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे हमने लिखा था वो इरेशनल आएगा, इसलिए इन्होंने पहले ही वहां से जीरो को हटा रखा है। और ऐसे ही आप जीरो इसको डिवाइड करोगे तो ये भी आपके पास जीरो आएगा, जो दोबारा से हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही टर्म यूज की है नॉन जीरो। क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। तो ये आपको हो गया। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन अवर डेली लाइफ। आप चैप्टर पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम, अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता हम डेली लाइफ में क्यों यूज कर रहे हैं, इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, तो आपका ये चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। स्टार्टिंग में आप सबने मुझे बताया कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, लेकिन पाई का जो फॉर्मूला रहता है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो किसी को आइडिया है फिर हम इसकी वैल्यू फिक्स करके क्यों चलते हैं, क्योंकि हर सर्कल है उसकी डायमीटर भी अलग होगी, उसकी सर्कमफेरेंस भी अलग होगी, तो फिर भी हम पाई की वैल्यू फिक्स क्यों करके चलते हैं 3.14? किसी को आइडिया है? यस और नो बोलो। नो मैम। नो मैम। इसका सिंपल सा रीजन है, आप ये चीज अपने घर पे भी करके देख सकते हो। आपने क्या करने हैं, सर्कल बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की, उनकी सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक 1 रेडियस का लिया, 5 का लिया, 7 का लिया, आप सब उनका सर्कमफ्रेंस निकालना, डायमीटर निकालना, उनको डिवाइड करके जो रेशियो आएगी ना, आप देखना लगभग आपके पास उसकी वैल्यू है जो 3.14 के अप्रोक्सीमेट आएगी। इसलिए हमने उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया एज अ कॉन्स्टेंट, हम पाई की वैल्यू को 3.14 एज्यूम करके चलते हैं। स्टार्टिंग में आप सबने मुझे ये भी बताया कि हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे को 14th of March को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसी दिन को हम पाई डे भी बोलते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डज एन इरेशनल नंबर जस्ट अ ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट डिजर्व अ सेलिब्रेशन? ऐसा क्या है पाई में? इफ वी सेलिब्रेट पाई, व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट एनी अदर नंबर? डज एनीवन नो क्यों हम इतना नो बड़ा डे मैम। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे पाई डे के नाम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? किसी को कुछ आइडिया है? नो नो मैम। मैम। वेल, पाई इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नंबर्स, इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट इनकोडेड इन मोस्ट प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग दोज इन द एनवायरनमेंट। सो नाउ यू आर प्रोबेबली वंडरिंग हाउ पाई अपीयर्स इन एनवायरनमेंट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, कि कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए हम। सो नाउ वी विल सी अ वीडियो टू नो हाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक ह्यूमंस, प्लैनेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड थिंग्स आर रिलेटेड विद नंबर्स। तो उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। आपने पाई के बारे में तो सुन रखा होगा। हम बचपन से इसे एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। जितने भी गोल चीजें हैं उनके पैरामीटर को मापने के लिए हमें पाई काम में लेना ही पड़ता है। देखने में तो यह नंबर बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन यह जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। पाई का इतिहास कई हजार साल पुराना है।
ये तब से चला आ रहा है जब इंसान आदि मानव की तरह जंगलों में रहा करते थे। इसने पिरामिड्स बनाने में भी इंसानों की मदद की है, और ऐसे ही ये साधारण सा दिखने वाला नंबर ना जाने कितने रहस्य अपने अंदर समेटे बैठा है। तो आज की इस एपिसोड में हम पाई के इतिहास से लेकर इससे जुड़े हुए कई ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिन्हें आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे पाई की वैल्यू भारत में सबसे पहले निकाली गई थी, लेकिन कभी उसे विश्व भर में मान्यता नहीं मिली। और वीडियो के लास्ट में आपको इसकी वैल्यू से जुड़े ऐसे फैक्ट मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपको ये पाई और भी ज्यादा मजेदार लगने लग जाएगा। कहानी शुरू होती है 3500 BC में, जब इंसान ने पहिया बनाने के बारे में सोचा। वैसे उनको पहिया नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ एक ऐसी चीज चाहिए थी जो भारी सामान को इधर से उधर ले जाने में उनकी मदद कर सके। इसके लिए उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। पूरी कोशिशों के बाद उनको एक बात समझ में आई, उसे इधर से उधर ले जाने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनको एक ऐसी शेप की जरूरत थी जिसमें या तो एक ही सरफेस हो ताकि उसे पलटना ही ना पड़े, या इतनी ज्यादा सरफेस हो कि पलटने में लगने वाली मेहनत कम से कम हो जाए। और उनकी यह तलाश गोल शेप पर आकर खत्म हुई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक परफेक्ट सर्किल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ना उन्हें इतनी समझ थी और ना ही उनके पास इतनी अच्छी तकनीक थी। समय बीतने के साथ साथ पहिए की तकनीक में तो सुधार होता गया, लेकिन अभी भी हम उस रहस्य से दूर थे जिसकी मदद से हम किसी चीज को एक ही प्रयास में गोल बना सके। सबसे पहले आर्किमिडीज ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ये पाया कि एक परफेक्ट सर्किल तभी बन सकता है अगर उसकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि व उसके डायमीटर यानी व्यास का अनुपात 22/7 हो, और इसे ही हम आज तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है क्या? तो फिर हम 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि हम आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाल पाए। आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर है जो 2×10^17 कैलकुलेशन पर सेकंड करता है, लेकिन इतने फास्ट कंप्यूटर से भी डिजिट तक वैल्यू को निकाल पाए हैं। तो पाई की वैल्यू के आगे तो सुपर कंप्यूटर भी हार गया, तो इंसान क्या चीज है? आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मिस्र के पिरामिड्स के पैरामीटर्स को जब मापा गया तो ये पाया गया कि उनमें पाई की वैल्यू का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड्स में जो भी आकृतियां बनाई गई हैं, वो सारी पाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करती हैं। उनको इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि उनकी मदद से पाई की पॉइंट के बाद 5 नंबर्स तक की वैल्यू को बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे है, इतना भारी भरकम ज्ञान सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि हम पाई के पीछे पड़े ही क्यों हैं? मतलब हमें ऐसी क्या जरूरत है इसकी जो हम इतने उत्सुक हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए? वेल, इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है। हवाई जहाज से लेकर स्पेस रॉकेट, सब कुछ बनाने में पाई की वैल्यू का इस्तेमाल होता है, और इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी बहुत बारी नुकसान का कारण बन सकती है। जैसे मंगल ग्रह पर जाने वाले यान में अगर आप पाई की वैल्यू को 3.14 की जगह 3.24 भी रख दें, तो वो यान कभी शायद मंगल पर पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए नासा पाई की पॉइंट के बाद 15 वैल्यू तक कैलकुलेशन करती है, और इसी की बदौलत वो इतने सारे स्पेस मिशन करने में और इतनी सारी स्पेस रिसर्च करने में कामयाब हो पाए हैं। आपके पास पड़े हर गैजेट या हर मशीन में कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू का इस्तेमाल होता है। ग्रहों, उपग्रहों की कक्षा से लेकर सितारों की उम्र, सब कुछ निकालने में पाई की वैल्यू को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ तक यूनिवर्स की डिजाइन, गैलेक्सी की शेप, एस्ट्रॉइड की गति, हर चीज को समझने के लिए हमें पाई का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इस तरह ये कहना गलत नहीं होगा कि पाई के बिना ये दुनिया अधूरी अधूरी लगने लगेगी। लेकिन क्या तो आप सबने वीडियो देखी, वीडियो देख के हम बोल सकते हैं पाई गोज बियॉन्ड मैथ, द नंबर क्रोप अप इन द नेचुरल वर्ल्ड टू, इट अपीयर्स एवरीवेयर, देयर इज अ सर्कल। आप जिस भी रूम में बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो, आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो।
आप जितने भी सैटेलाइट्स हैं हमने किसके बेसिस पे बनी हुई है सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रही है, पाई की वजह से रिवॉल्व कर पा रही है, हम ट्रेवल कर पा रहे हैं पाई की वजह से ट्रेवल कर पा रहे हैं, सच एज द डिस्क ऑफ द सन, मून, रेनबो, फॉलिंग रेनबो, व्हील ऑफ पीपल्स, स्पाइरल ऑफ डीएनए, द पीपल ऑफ आई, हर चीज में आप पाई की वैल्यू को आप देखोगे कि वहाँ पे पाई की वैल्यू यूज हो रखी है, जितने भी हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट हैं या सर्कुलर थिंग्स हैं, नॉट ओनली इन द सर्कल बट इन अदर थिंग्स ऑल्सो। आपने वीडियो में देखा कि जो पिरामिड्स बने हुए थे हमारे पास उनमें भी पाई की वैल्यू को यूज करके वो बनाए गए हैं। अगर आप मेंडरिंग रेशियो निकालोगे रिवर की वो भी आप चेक करोगे कि 3.14 के अप्रोक्सीमेटली आती है। वी कॉन्ट सी पाई विद अवर नेक्ड आई बट अवर एनवायरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन पाई। ये देखो हमारे जो है ये ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं जो फर्स्ट है हमारे एल्बर्ट एंस्टाइन और जो सेकंड है स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों का भी पाई डे के साथ कनेक्शन रहा है। एल्बर्ट एंस्टाइन का जो बर्थ है वो 14 मार्च को हुआ था और इनकी डेथ 14 मार्च को हुई थी। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे भी कोई ना कोई मिस्ट्री है वो जो अभी तक हमें नहीं पता है, बट आई होप कि एक दिन हमें उसके बारे में भी जरूर पता लगेगा। तो अभी हमने पाई के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल में एक और नंबर पढ़ा था गोल्डन नंबर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, ये यूनिक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है और हम इसको इजीली अपने नेचुरल वर्ल्ड में सपोर्ट कर पाते हैं। जो नेचर है वो यूज करता है इस रेशियो को बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं आपको मोस्टली सब में ये रेशियो मिल जाएगी देखने को। अब बात करते हैं एक्चुअल में ये रेशियो क्या होती है। अब आप देखो हमने यहाँ पे पी और क्यू लिया है, इस लाइन को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है, ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है। तो अगर मैं ए बाय बी और ए प्लस बी और जो बड़े वाला नंबर है उनकी रेशियो निकालूं, अगर वो अप्रोक्सीमेटली 1.618 आती है तो इन दोनों नंबर्स को मैं बोलूंगी कि ये दोनों नंबर गोल्डन नंबर है और इस रेशियो को मैं बोलूंगी गोल्डन रेशियो है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको क्या होती है गोल्डन रेशियो, मतलब Yes, कोई भी ma'am. दो नंबर जिनकी Yes, रेशियो 1.618 के इक्वल आती है। अब क्वेश्चन ये है व्हाई दिस नंबर और रेशियो इज कॉल्ड गोल्डन नंबर, इसका सिंपल सा रीजन है हम इसको इजीली अपने नेचुरल वर्ल्ड में हम इसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सपोर्ट कर पाते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे। उसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, गोल्डन रेक्टेंगल। गोल्डन रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपल सा है, जिसकी साइड लेंथ क्या है गोल्डन रेशियो में हो उसको हम गोल्डन रेक्टेंगल बोल देंगे। ये देखो यहाँ पे इसकी जब हमने रेशियो निकाली ये इसके इक्वल आए तो इस रेक्टेंगल को मैं बोलूंगी गोल्डन रेक्टेंगल। अब गोल्डन रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, इसमें ग्रिड बनाई और मैंने इस टाइप से मैं इसमें स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने ये वन उसका वन यूनिट का किया ऐसे ये वन का है, फिर मैंने क्या किया वन और वन को एड करके टू यूनिट का बनाया, फिर थ्री और टू को ऐड करके फाइव यूनिट का बनाया, फिर फाइव और थ्री को ऐड करके एट, ऐसे ही इससे आगे वाला पैटर्न होगा 13 उसका। तो इस टाइप का पैटर्न हम गोल्डन रेक्टेंगल के अंदर बना सकते हैं और हमारे नेचुरल वर्ल्ड में जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं आप उन सब में ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पाओगे। आप मुझे ये बताओ शिवानी, आप बताओ अगर आप इस टाइप के किसी पर्सन को अपने आसपास देखोगे तो आपको अजीब लगेगा कुछ? यस मैम ओके अब आप ये दोनों फेस देखो, इनमें से आप सब बताओगे मुझे कि इनमें से आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा फेस लग रहा है, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? मैम राइट साइड वाला राइट साइड वाला, यस मैम ठीक है। तो राइट साइड वाला जो फेस है वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसका किसी को रीजन पता है? दोनों मतलब सेम ही पर्सन की वो है ये, बट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या रीजन हो सकता है, किसी को आइडिया है? यस और नो? नो मैम नो मैम इसका सिंपल सा रीजन है गोल्डन रेशो। भगवान ने हम सबके जो फेशियल फीचर बनाए हैं उसको गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट करके यूज करके बनाए। आप देखो यहाँ पे हम गोल्डन रेक्टेंगल वाला पैटर्न, इवन हमारे जो ईयर्स हैं, हमारा जो फेस है, आप अपने फेस की लेंथ और ब्रेथ की जब रेशियो निकालोगे वो 1.614 के अप्रोक्सीमेटली आती है। मैं ये नहीं बोल रही कि हम सबकी फेस की रेशियो वही आएगी, मतलब जिन पर्सन के फेस की रेशियो आएगी वो हमें पर्सन का फेस, उस पर्सन का फेस हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप सब ये बड़ा कॉमनली टर्म सुनते होंगे, उसके नैन नक्श बड़े अच्छे हैं, सुना है आप सबने ये टर्म? यस मैम क्यों हमें वो फेस
अट्रैक्ट करता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के फेस में गोल्डन रेशो होती है। इवन आप देखोगे अगर किसी भी पर्सन का फोर हेड है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा है या उसकी नोज थोड़ी सी ज्यादा लंबी है तो वो भी आपको अजीब लगते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है गोल्डन रेशो, क्योंकि वहां पे जो गोल्डन रेशो है प्रेजेंट नहीं है। नॉट ओनली इन द फेशियल फीचर बट आप अपने बॉडी के पार्ट्स में देखो, अगर आप इसको ए लेके चल रहे हो ब्लू वाली लाइन को, ऑरेंज वाली को बी, और आप इनकी रेशो निकालोगे ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1.618 के इक्वल आएगी। ऐसे ही आपके फिंगर्स की, आप अपने बाजू की निकालोगे वो भी लगभग यही आएगी। इसका सिंपल सा रीजन है अगर आप बहुत ही ज्यादा हाइट है एक पर्सन की या बहुत ही हाइट कम है, वो पर्सन आपको अजीब लगेंगे या नहीं लगेंगे, मतलब आपको डिफरेंट लगते हैं वो सबसे, ऐसा है। यस मैम, यस मैम, सिंपल सा रीजन गोल्डन रेशो है क्योंकि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वहां पे गोल्डन रेशो प्रेजेंट नहीं होगी। आप इवन अपने हाथ को ऐसे करोगे तो वहां पे भी आपका गोल्डन रेक्टेंगल बनता है। अच्छा सनफ्लावर है, आप सबने देखा होगा, देखे या नहीं देखा आपने? देखा है मैम। ओके, अगर नहीं भी देखा तो जब भी देखोगे आप उसके अंदर ये पैटर्न ढूंढोगे, ठीक है। ये पैटर्न आपने देखना है कि कैसे ये गोल्डन रेक्टेंगल वाला पैटर्न सनफ्लावर के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ ताजमहल के बारे में क्या पता है आपको? क्या खास है ताजमहल में? यस मैम, क्या खास है हाँ बताओ? ये पूरा सिमेट्रिकल है और इसमें भी आई थिंक गोल्डन रेशो को यूज करके बनाया गया है। वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है हमारे पास ताजमहल। और आपको यस ये भी पता होगा कि जिस पर्सन ने इसको बनाया था शाहजहां ने उसके हाथ कटवा दिए थे, तो मतलब इतना सुंदर क्यों बना पाया, क्योंकि उसने यहाँ पे गोल्डन रेशो को कॉन्सेप्ट करके ताजमहल को बनाया था। और ऑब्वियस है किसी भी चीज में अगर गोल्डन रेक्टेंगल वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो चीज हमारी आईज को अट्रैक्ट करती है। गोल्डन जो है इसकी अट्रैक्शन का रीजन ही यही है ताजमहल की। इवन आर्किटेक्चर में आप ये पैटर्न देख सकते हो, नेचुरल व्यूज हम ये बोलते हैं, बड़ा टर्म यूज करते हैं हम कि ये पर्टिकुलर जगह है मेरे को बहुत ज्यादा प्लीजिंग या बहुत ज्यादा पीसफुल लगती है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वहां पे भी गोल्डन जो है पैटर्न ये फॉलो होता है। हमारी गैलेक्सी है उसमें भी हम ये पैटर्न देखने को मिलेगा। वेव शेप देखो, यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न गोल्डन रेक्टेंगल वाला फॉलो हो रहा है। स्पाइडर वेब है, आप सबने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आज जाके इसको आपने ऑब्जर्व करना है कि उसमें भी जो ये इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। फ्लावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ क्या हम सबके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं या नहीं होते? यूनिक होते हैं मैम। मैम होते हैं उसका रीजन क्या है, पता है किसी को क्यों यूनिक होते हैं वो? नो मैम। ओके, तो सबसे पहले आपने घर जाके एक तो काम करना है, आपने अपने जो थंब है उसकी लेंथ और उसकी विड्थ दोनों की रेशो निकालना। लगभग पहले तो आपके पास 1.61 समथिंग आएगी। और ये पैटर्न, अब बात आती है कि यूनिक क्यों होते हैं। ये जो देखो आप यहाँ पे गोल्डन रेक्टेंगल वाला आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, और हमें पता है गोल्डन रेशो एक इरेशनल नंबर है, उसमें पॉइंट के बाद कभी भी कोई डिजिट है वो रिपीट नहीं करता। यही रीजन है कि हम सबके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी यूनिक होते हैं। हमने बात की थी हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इवन ये पैटर्न हम जब बर्ड्स में देखेंगे, बर्ड्स में भी ये पैटर्न उनके फॉलो होता है। ये देखो बटरफ्लाई है, उसमें भी गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट यूज होती है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब आप ये देखो अनबोर्न बेबी है जो वोम्ब में होता है, वो भी इस शेप में होता है। तो मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने लग जाऊंगी तो हमारे पास टाइम कम रह जाएगा। आप हर चीज आप खुद देखना, आप घर जाके आपको मतलब हर चीज को देखने का व्यू बदल जाएगा। आपको बहुत सारी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे आप ये पैटर्न को फॉलो, आपको ये सपोर्ट कर पाओगे इसको। एप्पल का फोन किस किस को पसंद है आप मुझे ये बताओ, ये किस किस के पास एप्पल का फोन है? मैम बड़ा महंगा होता है, हमारे पास तो नहीं है। हाँ महंगा होता है तो उसका रीजन भी कुछ होगा। चलो मैं मैंने माना कि उसमें मतलब काफी फीचर्स ऐसे होते हैं, उसमें से कुछ महंगा होने का रीजन भी उसका ये है कि उसका जो आप शेप देखना जिसके पास भी होगा, उसकी आप रेशो भी निकालना उसकी साइड्स के, वो गोल्डन रेशो को यूज करके बनाया गया है, तभी जो एप्पल के फोन की लुकिंग है वो हमें
बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आप कंपनी के लोगों देखो, ट्विटर की लोगो है, पेप्सी की लोगो है, गूगल की लोगो है, इन सबको गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट करके यूज करके इनको बनाया गया। इवन जो मॉडर्न फोटोग्राफर्स हैं वो गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करके अपनी फोटोग्राफी को अच्छा बनाते हैं, आर्किटेक्चर में इसको यूज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ अवर एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अब आप सबका उसके बारे में क्या, मतलब क्या व्यूज हैं? अब आपको लगता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो मैथ से रिलेटेड है? यस और नो? यस मैम, ओके, यस मैम, सो हमने क्या कंक्लूड किया? इट कैन बी सेड दैट पाई इज इनकोडेड इन द पैटर्न्स ऑफ लाइफ। द सीक्रेट ऑफ एनवायरमेंटल ब्यूटी लाइज इन द गोल्डन रेशियो। नंबर्स आर एवरीवेयर इन अवर एनवायरमेंट। इवन वेन यू थिंक देयर इज नो वे टू फाइंड अ नंबर इन समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ वे फॉर नंबर टू बी एडेड इन टू एनीथिंग। एंड सर गैलीलियो हैड राइटली सेड दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। सो नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न। तो आप मुझे बताओगे शिवानी, आप बताओ अंडर रूट 5 है वो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, वेरी गुड। पारुल आप बताओ अंडर रूट 81 है कौन सा नंबर है ये? निधि आप बताओ रैशनल नंबर क्यों है ये रैशनल नंबर? निधि, इट इज इक्वल टू 9, विच इज इक्वल टू 9/1। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट है गोल्डन नंबर कौन सा है इनमें से? 1.61 मैम, 1.1618। ओके, तो ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर मैम, ये इरेशनल। वेरी गुड शिवानी। तो आप मुझे बताओ ऑन विच डे वी सेलिब्रेट पाई डे? 14th ऑफ मार्च मैम। यस, वेरी गुड पारुल। नेम द साइंटिस्ट हु हैव कनेक्शन विद पाई डे। हमने डिस्कस किया था कौन से दो साइंटिस्ट थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन एंड हॉकिंग्स। यस, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द सीक्रेट ऑफ एनवायरमेंटल ब्यूटी लाइज इन गोल्डन गोल्डन रेशो। रेशो। वेरी गुड। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। यस ट्रू। अच्छा ठीक है, अब आप पारुल ऐड करना अंडर रूट 2 लो और उसमें माइनस अंडर रूट 2 ऐड करो। दोनों ही रैशनल नंबर हैं, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? जीरो जीरो। मैम, तो वो क्या है? फॉल्स। वो तो रैशनल फॉल्स हो गया। क्या होएगा? फॉल्स होएगा। फॉल्स। ठीक है, ओके। सो अब आपका होमवर्क देख लेते हैं क्या है। आपने क्या करना है, आपने अपने आसपास आपको बहुत सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, आपने उनकी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो निकालने हैं और आपने ऑब्जर्व करना है क्या वो 3.14 के अप्रोक्सीमेटली आएगी। ठीक है, जैसे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है कि आप इसकी सर्कमफ्रेंस कैसे वो करोगे। आपके घर में इंची टेप होगा, आपने सिंपल इंची टेप से आप इसको इजिली मेजर कर सकते हो। तो आपने सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो निकाल के आपने देखना है कि वो क्या अप्रोक्सीमेटली 3.14 के इक्वल आती है। सेकेंड क्या करना है, आप सबने अपने फेस की गोल्डन रेशो निकालनी है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपकी गूगल क्लासरूम पे एक वीडियो डाली है और एक आपको ऑनलाइन भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, ऑनलाइन कैलकुलेटर आता है, उसका भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी गूगल क्लासरूम में। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? नो नो मैम, मैम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू ड्रॉ एन इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन एंड हाउ टू कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम, थैंक यू थैंक मैम, यू मैम, ओके मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैम।